हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हम एक फेस मास्क बना सकते हैं चाय की पत्ती की मदद से। जो चाय की पत्ती हम वेस्ट कर देते हैं उसकी मदद से, हमें इसमें हम एक टेबल स्पून हम वीट फ्लावर डालेंगे, आटा डालेंगे, और हम 1 टेबल स्पून हम हनी डालेंगे, शहद, और हम इसको दूध की मदद से इसका मिक्सचर बना देंगे। मिक्सचर बनाने के बाद जो है हम लोग इसको अपने फेस पर लगाएंगे। फेस पर लगाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ हमने क्या करना है। हम इसको फेस पर हम इसको इसका इस तरीके से मिक्सचर बनाएंगे और इसको इस तरीके से हमने अपने स्किन पर रब करना है, स्क्रब की तरीके से। इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। इससे जो है हम ये जो चाय की पत्ती होती है इसमें कैफीन होती है, कैफीन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे जो आपकी जो स्किन जो ऊपर जल गई होती है या वो सनशाइन की वजह से जो ऊपर डल स्किन होती है वो रफ हो जाती है, और इसको हमने और दूध हम लोगों की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। शहद शहद और आटा भी बहुत अच्छा होता है। इसके बेनिफिट्स आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने 5 मिनट्स तक अपने हैंड पे इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से रब करना है, सर्कुलर मोशन में। रब करने के बाद हम 15 मिनट्स तक इसको हम अपने हैंड पे लगे रहने देंगे लगाने। उसके बाद जो है हम लोग अपने फेस पे लगे रहने देंगे, और उसके बाद हम फिर इसको वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। आप ये इसका डेली इस स्क्रब का आप लोग डेली यूज़ करेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी, पोर्स जो हैं, झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, एक्नी नहीं होगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा होगा। ये देखें, 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था और मेरा ये रिज़ल्ट आया है। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। और ये मेरा दूसरा हाथ है, आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इसको डेली इस्तेमाल करें, इससे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा, आप लोगों को खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये रेमेडी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस रेमेडी को शेयर कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।